आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। व्हाट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, एंड प्रिंटर का भी एक वीडियो बनाया था, फुल वीडियो, उसमें सब सब कुछ पढ़ाया था, पूरा आप देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा है। तो अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है समझो, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से हिंदी में नोट्स बनाए हैं, सारे नोट्स ओ लेवल से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने बनाए हैं। ये IT टूल्स के नोट्स हैं, आगे सी लैंग्वेज, इंटरनेट और ICT, सबके नोट्स आपको मिलेंगे, और हर चीज़ आपको बेसिक से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से मैंने हर चीज़ को पढ़ाया है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अब स्टार्ट करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट करते समय बहुत नॉइज़ करें उन्हें हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक नंबर का शॉर्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसे इमेज या टेक्स्ट पर, टेक्स्ट को पेपर में प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, इमेज या टेक्स्ट को पेपर प्रिंट कर, ये तो आपको पता ही होगा। एंड प्रिंटर की यह कहते हैं, यह प्रिंटर कैसे होते हैं, टाइपराइटर की तरह होते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। प्रिंटर टाइपराइटर की तरह होते हैं जिसमें एक हैमर उसे टच करता है, एक हैमर उसे टच करता है, जिसके इंपैक्ट से करेक्टर सॉलिड फॉर्म में प्रिंट हो जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीबल प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंपैक्ट प्रिंटर का ये कौन सा प्रकार है। चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से तीन में, इन तीनों में से एक दिया होगा उनमें, तो आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीबल प्रिंटर या लाइन प्रिंटर दिया हो तो आप उसमें टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार हो गया, ठीक है। ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह होते हैं, जो जो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, प्रत्येक पिन क्या करती है, एक डॉट छोड़ती है, और इन डॉट के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, अक्षर या आकार बनता है, और प्रत्येक करेक्टर को छापने के लिए बहुत सारे डॉट की जरूरत होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटर अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, इनका यूज़ केवल वहीं होता है जहाँ अत्यधिक मात्रा में पेज को प्रिंट करना होता है। ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार हो गया, और एक लाइन प्रिंटर भी इसका एक प्रकार होता है। तो लाइन प्रिंटर में क्या होता है, इसमें एक लाइन को एक बार ही प्रिंट किया जा सकता है, और इसकी 20 से 80 लाइन प्रति सेकेंड स्पीड होती है, और इसकी प्रिंटिंग स्पीड पेपर पर भी डिपेंड करती है। इस प्रिंटर में स्पेशल पेपर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उसका यूज़ किया जाता है। ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।